नमस्कार, नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिनभर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। अमरावता गांव के मतदान बहिष्कार के दौरान नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा और उपद्रव में शामिल आरोपियों को जेल भेजने के बाद हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय देवली उनियारा में नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन देखने को मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर नरेश मीणा को रिहा करने की मांग। इसी के साथ पुलिस अधिकारी का कहना है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद नरेश मीणा को जेल भेजने की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। देवली उनियारा में मतदान के दौरान हुई एसडीएम और नरेश मीणा विवाद के बाद आरएएस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। तो वहीं एसडीएम अमित चौधरी ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत पक्ष नहीं है, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वोटर्स वोट डालना चाहते थे लेकिन कुछ वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोक रहे थे। इसके साथ ही अमित चौधरी ने कहा कि वो इस मामले में पीड़ित नहीं है। प्रदेश में मौसम अब बदलने लगा है। मौसम बदलने के साथ ही अब सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। बीती रात प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं गुरुवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब दिन के तापमान में गिरावट होने से लोगों को दिन में गर्मी से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही आने वाले 4 दिनों में दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जीएम अमिताभ ने कोहरे में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की और अधिकारियों को यात्रियों के लिए शौचालय सुविधाएं बढ़ाने और टिकट खरीद पर UPI से पेमेंट करने के प्रचार निर्देश दिए। इस दौरान जीएम अमिताभ ने सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। पत्रकारों से बातचीत में जीएम अमिताभ ने कहा कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत मार्च तक स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। जयपुर में 3,000 से अधिक साधकों ने ललित रुद्र सृष्टि की दीक्षा ली। आचार्य ईशान शिवानंद ने दीक्षा दी। दीक्षा शिविर में भारत के विभिन्न राज्यों से आए साधकों ने भाग लिया। इंग्लैंड, अफ्रीका व अन्य देशों के साधकों ने भी दीक्षा ली। आचार्य ईशान शिवानंद ने बताया कि दीक्षा आध्यात्मिक उन्नति देती है। शिविर आयोजक अजय गुप्ता ने बताया कि आचार्य ईशान शिवानंद इस महीने जयपुर के बाद अब नोएडा, मुंबई, जालंधर, बेंगलोर, अहमदाबाद में साधकों को दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर में अब बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों की खैर नहीं। यातायात पुलिस की ओर से जयपुर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से समझाइश के बाद ही सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जयपुर यातायात पुलिस ने ये अभियान गुरुवार को शुरू किया था जिसका आज 3रा दिन है। ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई से हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों और नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 मैचों की सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम कर लिया है। जोहानिसबर्ग में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों की करारी शिकस्त दी। भारत ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 283 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तिलक वर्मा ने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ा। तिलक वर्मा ने 120 रनों की, संजू सैमसन ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। संजू सैमसन ने भी सीरीज में दूसरा शतक जड़ा। भारत ने 2024 में खेले गए 26 में से 24 मुकाबले जीतते हुए इतिहास बनाया। वहीं अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने 6 रिकॉर्ड भी अपना। राजस्थान के बहुचर्चित शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड मामले में बूंदी और डीडवाना पुलिस ने बड़ी सफलता मिली गई है। हत्या के बाद से फरार हुए मुख्य आरोपी गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि वो बचने के लिए बार बार अपना फर्जी सिम कार्ड और लोकेशन बदल रहा था। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को रोज इंस्टाग्राम रील बनाकर चुनौती भी दे रहा था। पुलिस टीम इंस्टाग्राम पर बनाई गई रील के IP एड्रेस के सहारे आरोपी के पीछे लगी हुई थी। आखिरकार डीडवाना के जिले में लगातार मिल रही लोकेशन के आधार पर डीडवाना पुलिस और बूंदी पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची और आरोपी गुरप्रीत को बीकानेर जिले की सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया।
बाघों की अठखेलियों के लिए विश्व पटल पर चर्चित प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में आज भी अवैध पत्थर खनन जारी है, जिसके चलते रणथंभौर बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके में चल रहे अवैध खनन को रोकने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। रणथंभौर में सर्विलांस सिस्टम लगे होने के बावजूद विभाग अवैध खनन को रोक नहीं पा रहा है। ऐसे में रणथंभौर में बाघों की सुरक्षा को खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप सरकार पर राजनीतिक दल हमलावर। इसी बीच देवेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में आतिशी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आप सरकार को लोगों के इस सवाल का जवाब देना होगा कि दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।